पूर्णियापुर प्रखंड परिसर में अवस्थित मध्य विद्यालय में चोरी की घटना प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार बीती रात चोरों ने 4 बोरा चावल, 1 चापाकल और अन्य दस्तावेज की चोरी कर ली, जिसको लेकर सदर थाना में प्रधानाध्यापक सुशीला कुमारी ने लिखित शिकायत की है। प्रधानाध्यापक सुशीला कुमारी ने बताया कि प्रखंड परिसर में अवस्थित मध्य विद्यालय प्रखंड मुख्यालय पूर्णिया पूर्व के चोरों ने विद्यालय के भंडार रूम का ताला तोड़कर 4 बोरा चावल चुरा लिया है, साथ ही परिसर में लगे चापाकल भी चुरा लिया। वहीं चावल चोरी की जानकारी मिलते ही मध्याह्न भोजन पदाधिकारी संतोष रजक विद्यालय पहुंचकर विस्तृत जानकारी लिया। इस संबंध में प्रधानाध्यापक सुशीला कुमारी ने बताया कि सोमवार की सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो कार्यालय व भंडार का रूम का ताला टूटा हुआ देखा। जब हम लोगों ने जांच पड़ताल की तो कार्यालय के कई दस्तावेज गायब पाए गए और भंडार रूम में रखे चावल के 4 बोरे चावल गायब पाया गया। वहीं परिसर में लगे चापाकल भी चोरों ने अपने साथ ले गया। इससे पहले विद्यालय में कई बार चोरी हो चुकी है, जिसको लेके सदर थाना में लिखित शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी चोरों का आतंक जारी है। उन्होंने आगे कहा कि चोरी की घटना सूचना मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को भी दी गई है। पावर्ड बाय मंदी किचन, इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। क्या हुआ है मैडम आपके स्कूल में? चोरी हुआ। क्या हुआ है चोरी में? क्या सब हुआ? चोरी में चावल चोरी हुआ। कितना पैकेट? 4 पैकेट। 4 पैकेट। कब हुआ ये? ये सुबह स्कूल आने के बाद पता चला। आज सोमवार को स्कूल आने के बाद पता चला कि विद्यालय में चोरी हुआ। विद्यालय में चोरी हुआ है। कार्यालय का ताला भी टूटा हुआ था और मंगल का 2-3 कमरा का भी ताला टूटा हुआ। कार्यालय का ताला टूटा हुआ ताला कार्यालय का भी ताला टूटा था और भंडार रूम का भी। तो कार्यालय से भी कुछ गायब हुआ है? कार्यालय से भी कागज पत्र इधर उधर छीट छाट किया है। अच्छा, और भंडार रूम से आपका चावल? चावल और वहाँ पर पैखाना भी किया है रूम में। अच्छा, ये तो इसके लिए थाना में आवेदन दे दिए हैं? नहीं, देना है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशीला रामदास। प्रधानाध्यापक हैं? जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक। अच्छा, ठीक। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।